नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम दुबे। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों का। कटनी के ग्राम पंचायत कैलवार खुर्द की सरपंच माधुरी पाठक के पति भूरा पाठक द्वारा सन 2018 से ग्राम के सरकारी स्कूल में कब्जा कर 5 दुकानों का निर्माण किया गया, जिसमें की 3 दुकान है कैलवारा खुर्द माध्यमिक शाला तथा 2 दुकान ग्राम पंचायत भवन के पास अवैध रूप से निर्मित करवाया गया था, जिसकी पूर्व में भी सूर्यकांत कुशवाहा व सुरेंद्र मोहन मिश्रा के साथ विनोद बड़गैया द्वारा जिला प्रशासन से कई बार कर चुके थे और कई बार इस अवैध बानी दुकानों को लेकर ग्रामवासियों के साथ धरना प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया था। इसके बावजूद जिला प्रशासन इस अवैध निर्माण को हटाने की जहमत नहीं उठाई। तदोपरांत सुरेंद्र मोहन मिश्रा, श्रीकांत दुबे, विनोद बड़गैया और सूर्यकांत कुशवाहा द्वारा उच्च न्यायालय की शरण ली गई और हाईकोर्ट के आदेश पारित होने के बाद आज दिनांक को ग्राम के सरपंच माधुरी पाठक के पति भूरा पाठक द्वारा अवैध रूप से निर्मित 5 दुकानों पर जिला प्रशासन ने जेसीबी चला जमीन दोज कर दिया। सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को कहां कहां तोड़ा गया है, किस मात्रा में कैसा अतिक्रमण था? हाँ, ग्राम कैलवारा खुर्द में पंचायत परिसर में और वहां स्कूल परिसर में 5 दुकानों का निर्माण किया गया था अवैध रूप से, उनको तोड़ा गया सरकारी मशीनरी द्वारा। इसके बाद आगे मैं जाता हूँ, बाईपास में एक अवैध रूप से ढाबे का निर्माण किया गया था, वहीं पर आगे थोड़ी देर खरखरी मोड़ पर बाईपास के पास ही लगभग कुछ छोटे छोटे ढाबों का दुकानों का निर्माण किया गया था। वहाँ भी एक स्कूल था, स्कूल परिसर में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ से सभ्य लोग निकल नहीं पा रहे शाम के बाद। वहाँ पर असामाजिक तत्वों का जामबाड़ा बन चुका था, अवैध रूप से शराब का विक्रय किया जा रहा था, आम आदमी का आना जाना ग्रामीण वासियों उधर काफ़ी असहज हो रहा था। लगातार शिकायतें मिल रही थी, उनको विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया न्यायालय में नोटिस जारी करके। एक सप्ताह पूर्व गिराने से पूर्व नोटिस जारी की गई विधिवत, आज दिनांक को वहाँ पर मौके पर गिराया गया, हटाया गया। सरकारी जमीन तो जिसको मुक्त कराया गया है उसकी लगभग कीमत क्या होगी, करोड़ों में तो क्योंकि कीमती जमीन टोटल लगभग बाईपास और मौके की जमीन थी, टोटल कीमत अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख है जो पूरी गिराई गई है टोटल आज की कार्रवाई। किन लोगों के द्वारा कब्जे था? कुछ लोग थे वहाँ पर स्थानीय लोग थे, कुछ लोग थे बाहर से लोग आए हुए थे वहाँ पर अस्थायी रूप से निवास कर रहे थे और विभिन्न गतिविधियों में लिप्त होकर वहाँ से अपना सब अवैध कारोबार संचालित कर रहे थे, ऐसे लोग थे। ऐसी जानकारी है कि जो कैलवारा कला में दुकानें बनाई गई थी वो पूर्व सरपंच के द्वारा बनाई गई थी? ऐसी जानकारी आई है पूर्व सरपंच, सरपंच नहीं है, सरपंच जी के पति जी के द्वारा बनाई गई थी, ऐसी जानकारी में आया है। ठीक है।